दोस्तों, अगर आपकी हाइट काफ़ी छोटी होती है तो आप किसी भी जॉब में नहीं जा पाते हैं। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी एयरफोर्स हो या नेवी हो या फिर आर्मी हो, सबसे आपको बाहर कर दिया जाता है। अगर आपकी एक भी इंच हाइट कम है तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी हाइट छोटी है तो मैं आपको बता दूँ, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बेकार लगती है, बिल्कुल घटिया किस्म की आपकी पर्सनालिटी लगती है, और आप किसी के सामने अपने आप को नहीं दिखा पाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी हाइट काफ़ी बढ़ जाएगी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी हाइट मैं 1 फुट बढ़ा दूंगा, मतलब आप 5 फुट हैं तो मैं 6 फुट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप 1 से 3 इंच अपनी हाइट को इस वीडियो की मदद से अपनाकर, इस वीडियो के सारे रूल अपनाकर अपनी हाइट को 1 से 3 इंच बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। और दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना है, अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, फिर आपको मैं कुछ डाइट बताऊंगा। अगर आप डाइट नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको हैंगिंग करना है, हैंगिंग मतलब लटकना है, आपको बीम नहीं चूमना, मतलब आपको सिर्फ लटकना है। और दूसरा आपको सूर्य नमस्कार करना है, और तीसरा आपको रनिंग करना है। अब कैसे कैसे करना है ये तीनों चीज मैं आपको बता देता हूं। सुबह आपको उठना है, उठने के बाद सूर्य नमस्कार करना है, कम से कम सूर्य के सामने 5 मिनट या 2 मिनट आपको बैठना है। फिर आपको हैंगिंग करनी है, मतलब हैंगिंग सिर्फ लटकना है। सबसे पहले आपको 100 मीटर रनिंग करना है, किसी भी आपको एक वो बना लेना है जहाँ पे आप लटक सकते हैं, क्योंकि गांव में सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आपको कहीं भी एक बना लेना है वहाँ पे लटकने के लिए। आपको 100 मीटर रनिंग करना है और लटकना है, इतना आपने कर लिया तो आपकी हाइट 50% बढ़ जाएगी, मगर बिना डाइट के बिल्कुल भी संभव नहीं है, आपको डाइट लेना ज़रूरी है। अब डाइट में देखो, जब आप एक्सरसाइज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी, अगर आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो आपको अच्छा से अच्छा पोषक तत्व आपको लेना पड़ेगा, मतलब अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पाते हो तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ, ये दवा है जिसका नाम है लॉन्ग लुक्स, इसका अमेज़न पर भी अच्छा रिव्यू है और अच्छी बिकती है, लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको दूसरी बार अपने चैनल पर बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन पे आप देखोगे तो अच्छा, इसका बहुत अच्छा रेटिंग है और काफ़ी अच्छा ये फ़ायदा भी करता है। तो आपको इसको लेना है, इसको कैसे लेना है, जैसे आपकी एज 10 से 12 वर्ष है तो आपको एक कैप्सूल लेना है दिन में 3 बार, और 12 से 20 वर्ष आपकी अगर आयु है तो 2 कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार, और 20 से अगर आपकी एज ऊपर है, मतलब 25 साल है या 27 साल तक है, तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं दिन में 3 बार। अगर आप नहीं समझ पाए हैं कैसे कैसे इसको लेना है तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सब का यूज करते हैं तो आपको भोजन वैसा ही करना है जैसे आप दाल रोटी सब्जी आप खा रहे थे वैसे आप खाइए, मगर इस कैप्सूल का यूज आपको जरूर करना है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो सारे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं, मगर अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं कैप्सूल लेकर अपनी हाइट को बढ़ा लूं तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, डाइट फॉलो करना है, और दूसरी चीज आपको अच्छी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे आपको बिल्कुल सोना है, ये आपको बिल्कुल से याद रखना है। दूसरी चीज, आपको जंक फूड नहीं लेना, जंक फूड मतलब जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है और फास्ट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको कितने दिन नहीं लेना, 90 दिन आपको ये दवा का इस्तेमाल करना है और एक्सरसाइज करना है, और आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी 90 दिन इनका इस्तेमाल, मतलब जंक फूडों का नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें आप कब से यूज करने वाले हैं, इस वीडियो को कब से फॉलो
करने वाले हैं, कब से एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो हमको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और आपको अगर पूरी वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।